अब एक नया कॉन्सेप्ट जो क्लास 9 में था नहीं उसको हम पढ़ेंगे। मजेदार कॉन्सेप्ट है जो छोड़ के तो कोई भी क्लास 11 में तो आप जा ही नहीं सकते हो। यहां से ही शुरू होगा वेक्टर का नॉलेज। वेक्टर इज अ क्वांटिटी इन विच वेक्टर इज अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है, सोना नहीं है, देखो वेक्टर इज अ क्वांटिटी इन विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बस हो गया, मेरा लिखना कंप्लीट हो गया। वेक्टर इज अ क्वांटिटी इन विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप लोगों को इतना दिन पता था कोई भी क्वांटिटी हम बोलते थे मास 5 kg, बोल दिया क्या है 5 kg, मैग्नीट्यूड पार्ट बताते थे। एक्चुअली मास है ही स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर है ही नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था। बट जब वेक्टर क्वांटिटी, कुछ वेक्टर क्वांटिटी का बात आता है तो वो उनके साथ डायरेक्शन ऑब्वियसली होना चाहिए। बिना डायरेक्शन से वेक्टर क्वांटिटी को कभी आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। जैसे कि फोर्स, फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, कौन सा डायरेक्शन से फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। ये ब्लॉक है, मान लो इस ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और ए है वेक्टर का सिंबल, मतलब ए वेक्टर इस एरो के साथ वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, बी वेक्टर ए एरो देना पड़ता है। अगर ए नहीं देना चाहते तो मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वेक्टर नहीं समझेंगे। और इसका मतलब है डायरेक्शन है, फोर्स एक वेक्टर है, 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो ब्लॉक्स के ऊपर। जब आप एक्सेलरेशन बाद में आते जाते हैं, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन के टाइम पे ही बताएंगे। तो वेक्टर का सिर्फ इतना जान लो कि मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ एक डायरेक्शन होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्या है, is a quantity in which has only magnitude। जो आप लोग सो गए हो, सोना नहीं है, जो आप लोग बहुत जल्द जल्द आंसर देते थे, शुगर 5 kg, यानी कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेचर कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन, हाँ 30 degree centigrade टूवर्ड्स एकदम गलत, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन चाहिए ही नहीं। मास, टेम्परेचर और क्या हो सकता है, सोच लेना। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल में आएगा डिस्प्लेसमेंट, इस टर्म को मैं डिफाइन करूंगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। इसमें टेम्परेचर के साथ डिस्टेंस, स्पीड इस टाइप के, ठीक है। तो अब वेक्टर के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। जान लो, क्या नींद आ रहा है, नहीं चलेगा भाई, नींद फिर नहीं हो। देखो वेक्टर क्वांटिटी बता देता हूं मैं, जो थोड़ा सा बकबक करूंगा वो वेक्टर के ऊपर ही बकबक करूंगा, सुन लो ध्यान से, सुनो काम पे आएगा। वेक्टर क्या है, वेक्टर ये सारी क्वांटिटी जो है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक माध्यम है। अब मैंने बताया कि वेलोसिटी वी तो ऑब्वियसली एक डायरेक्शन है, तो इसके ऊपर एक एरो लग जाएगा तो ये वेक्टर डिफाइन कर दिया, मतलब एक वेक्टर है और इसके अंदर एक मैग्नीट्यूड है, मतलब ऐसे करके लिख सकते हो
और एक डायरेक्शन है वी कैप, तो देख के लग रहा है ना क्या सर क्या पढ़ा रहा है, कितना टफ हो रहा है। एक्चुअली कुछ भी टफ अप कुछ नहीं है, इसको मैं और भी इजी कर देता हूँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ सिर्फ वी लिख दो, इतना मॉड करके कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वी वी उसको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। वी कैप, ये जो टोपी पहना रहे हो एक टोपी इनको पहना दो। तो अब मैं इधर लिखता हूँ, ये जो है ये वेक्टर है, अब सिंपल वी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड पार्ट, और वी एक के ऊपर जो ये टोपी पहना है कैप, ये है डायरेक्शन। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताया था, वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हो रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहे। तो अब मैं इसको और भी आसान तरीके से बताता हूं। सपोज द वेक्टर इज ए, देन ए ए कैप आपका ये मैग्नीट्यूड और ए हो गया डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और ए हो गया मेरा डायरेक्शन। इफ मैग्नीट्यूड इज वन, कुछ भी चीज वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी इज यूनिट वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड, 1 तो हो सकता है, अगर एक्सेलरेशन होगा तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इफ मैग्नीट्यूड इज 1, इफ ए इज इक्वल टू 1, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आपको मिल जाएगा, ओनली ए कैप। यूनिट वेक्टर के केस में इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, मतलब व्हेन मैग्नीट्यूड इज 1 देन द वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब क्यों, इफ ए इज इक्वल टू 1 देन इधर वैल्यू पुट कर दो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। क्यों मैंने लाया इस चीज को, क्योंकि डायरेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है वो समझाऊंगा। देखो कैसे है, ए वेक्टर का ए कैप, अब मैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप यूनिट वेक्टर। आई कैप क्यों डाला, कि डायरेक्शन आप ए कैप मतलब आप एग्जैक्टली बता नहीं पाओगे कौन सा डायरेक्शन है, मैंने सिर्फ आई कैप दे दिया कि यूजुअली जब हम दिखाते हैं आई कैप एक्स वाई जेड आपका 3 डायमेंशनल हो गया, इस डायरेक्शन को हम आई कैप जे कैप के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल है, इसलिए मैंने ए कैप के जगह पे अभी यूनिवर्सल चीज को पुट किया था। आई कैप यूनिट वेक्टर है, तो आप कौन से डायरेक्शन को समझा रहे हो, टुवर्ड्स एक्स। अब मैं यूनिट वेक्टर को समझाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूं, ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, इसका मतलब क्या बनेगा, टुवर्ड्स डायरेक्शन आई एंड टुवर्ड्स डायरेक्शन जे। अब मैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिखा रहा हूं, कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, टुवर्ड्स डायरेक्शन आई, टुवर्ड्स डायरेक्शन जे एंड टुवर्ड्स डायरेक्शन के। तो इसलिए कोई भी क्वांटिटी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टुवर्ड्स I, J, K तीनों डायरेक्शन में है, इसमें 2i कैप 3j कैप 5k कैप, ये समझाने के लिए किया मैंने इसे, तीनों डायरेक्शन में। अगर मैं आपको इसको मिटाता हूं, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके फिर दोबारा देख लेना, मैं मिटा देता हूं। वेलोसिटी, अगर मैं बोल दिया कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, देन आपको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करके वेलोसिटी का vx vy a निकालना। बहुत इजी है ना, अगर आपको वेलोसिटी पता है
तो इस वेक्टर इक्वली अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, अगर आपको जेड में निकालनी है तो वी वाई वी जेड इज इक्वल टू हाउ मच ए भी आप निकाल सकते हो, एक्स है ए वाई है ए जेड है, तो है ना मजेदार। एक्चुअली वेक्टर आपको सारा कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देते हैं, और वेक्टर के अंदर आ जाते हैं बहुत सारे नल वेक्टर, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11 में सॉल्व होगा, वो मैं नहीं समझाऊंगा। एक्चुअली वेक्टर किस चीज में यूज होता है, डायरेक्शन को मेजर करने में कितना हेल्पफुल है, वही चीज मैं आपको समझाया है। कोई भी फिजिक्स और क्वांटिटी को वेक्टरिकली अगर रिप्रेजेंट करोगे और उससे आप रिजॉल्व करके सॉल्यूशन करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो यहाँ पे वेक्टर का सारा काम खत्म कर देते हैं। अच्छा और एक चीज बताता हूँ, और एक चीज मान लो अर्थ जो रोटेटरी मोशन मैंने बोला था, अर्थ रोटेट कर रहे हैं ऑन इट्स ओन एक्सिस अराउंड द सन, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अर्थ का एक टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स काम करेगा, अदरवाइज अर्थ तो निकल जाते, और इस सन के चारों तरफ जो घूम रहा है टूवर्ड्स सेंटर एक फोर्स काम कर रहे हैं, और टेंडेंसी क्या होगा अर्थ का, हमेशा टेंजेंशियल ही निकलने का, क्योंकि आप अगर एक पत्थर को थ्रेड में बांध के ऐसे घुमा रहे हो तो आप तो फोर्स देके रखे हुए, टेंशन की वजह से पत्थर घूम रहा है, अदरवाइज तो पत्थर निकल जाता। तो अर्थ का भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, इसको मैंने ऐसे करता हूं, इसको हम बोलते हैं बाद में देखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं ये सेंट्रिपेटल फोर्स, अब वेक्टर हमें क्या मदद करता है, देखो इस टाइप के डिफिकल्ट सिचुएशन को वेक्टर बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं, आप इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हो, ए रिजल्टेंट वेक्टर। उस केस में मैंने क्या दिखाया था कि ए आपका वी वेक्टर था, इसको अब दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, एक्स और वाई वी एक्स वी वाई वी जेड निकाल लिए थे। इस केस में क्या है, दो डिफिकल्ट कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे काम करेगा, कि और कुछ मतलब जो सेंट्रिपेटल फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका कॉन्सेप्ट सारी चीज को रिजल्टेंट अगर निकालनी है, एंगल ये तो 90 डिग्री था, ये एंगल स्लोप क्या होगा, बहुत सारी चीज बहुत इजीली वेक्टरिकली हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए, और वो क्लास 9 में तो है ही नहीं ट्रिगोनोमेट्री, इसलिए सिर्फ जान लो कि क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री सीख जाओगे और 11 से शुरू होगा वेक्टर का सारा कॉन्सेप्ट को आपको यूज करने का काम।